हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मेरी रेडी हो गई क्योंकि मुझे जाना था मेला, और ये मेला हमारे घर के सामने ही लगता है हर साल, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आप लोग यहाँ के नहीं हो तो भी आप लोग ये व्लॉग को बहुत ही एंजॉय करेंगे। तो रास्ते के साइड पे ये लगा हुआ था जहाँ पे आप लोग बहुत सारे वेराइटीज़ के खाना आप लोग को मिलेगा, आप लोग खा सकते हैं। और यहाँ से होता है एंट्री, और डेकोरेशन इस बार बहुत ही अच्छे से किया गया था। वैसे डेकोरेशन तो अच्छा ही होता है, पर इस बार मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड पेस्टल थीम के साथ ये कलर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये है भगवान का मूर्ति, और ये मूर्ति प्लास्टिक का होता है। और मैं पहले जब मैं छोटी थी बहुत खरीदती थी, और वो अभी भी मेरे पास मैंने संभाल के रखा है। और बच्चों के लिए राइड्स बहुत सारे थे, और बड़े भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इयरिंग्स देख के तो मैं पागल ही हो चुकी थी, क्योंकि इयरिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मैंने ले लिया कुछ, और बिग्स जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा था, एंड फिक्स प्राइस था यहाँ पे 100 ये सब ज्वेलरी। और हम लोगों ने थोड़ा सा कप भी ले लिया यहाँ से, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा था। मैंने लिया ये इयरिंग, ये मिला मुझे 50 रुपीज़ में, एंड बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन आप लोग देख सकते, बहुत ही प्रीटी था। और यहाँ पे भी कप सेट प्लेट्स बहुत सारे मिल रहे थे बहुत ही कम प्राइस में। एंड इसको देख के मुझे कुछ याद आ गया, ये जो आप लोग फेक वेजिटेबल्स देख रहे हो, ये मैं पहले परचेस करती थी वेजिटेबल्स फ्रूट्स, और डाइनिंग में सजा के रखती थी। वो अभी तो मेरे पास नहीं है, पर ये देख के मुझे मेरा बचपन का दिन याद आ गया, क्योंकि ये मेला बहुत मैं जब छोटी थी तब से हो रहा है। सनग्लास भी हम लोग को कम प्राइस में मिला तो हम लोगों ने ले लिया। ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग घूमते घूमते इतना थक गए, और थोड़ा सा कुछ खाने को भी मन किया, तो हम लोगों ने खाया कॉफ़ी और पॉपकॉर्न। ये जो आप लोग बैंगल्स देख रहे हो ना, ये है कांच का, एंड ये मैं बचपन में बहुत ज़्यादा पहनती थी, पर ये टूट जाता है तो इस बार मैंने नहीं लिया। चश्मा लगाया है,
फिर हम लोग चले गए फ्लावर देखने के लिए, और क्योंकि हमारे घर पे जो फ्लावर्स है वो थोड़ा सा चेंज करना था, तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा हाई लगा। पर फ्लावर का प्राइस ऑनलाइन भी आप अगर परचेस करते हो बहुत ही ज़्यादा होता है, वैसे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में हम लोग को मिला, तो हम लोगों ने परचेस कर लिया। डिफरेंट देखने को मिला वो है स्मोक बिस्किट, तो ये भी ट्राई कर रहे थे बहुत सारे लोग। मैंने तो ट्राई नहीं किया, पर मेरे बहन वो सब ट्राई किया, उन लोगों ने बोला था कि बहुत कुछ इतना भी डिफरेंट नहीं होता है, टेस्ट भी इतना भी अच्छा नहीं था, पर ऐसे ही ट्राई कर लिया। और आप लोग देख सकते कैसे धुआं निकल रहा है उन लोग के मुँह से। पिकल तो हमेशा रहता ही है, तो पिकल भी हम लोगों ने ले लिया, तो बहुत सारे वेराइटीज थे और उन्हीं में से हम लोगों ने कुछ ले लिया। और इस ब्लॉग को ये पैन करते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप लोग नहीं हो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।